देखिए, ये ऐसा एक डायग्राम दे रहा है, एक चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र के साथ साथ हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ये दोनों आपस में सिमिलर दिए गए हैं, समरूप दिए गए हैं। साथ ही कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री दिया गया है, और एक और कोण दिया गया है कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कोण डी ओ सी, सी ओ, डी सी ओ और ओ ए भी ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमें कैलकुलेट करने हैं वो इजीली हमें फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। आराम से लिखो सॉल्यूशन में, हल में क्या लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज ऐसे लिखना कोण बी ओ सी, ये देखो बी ओ सी यहाँ पे जो है बी ओ सी ये वाला, और ऐसे कर लो डी ओ सी ये वाला, इन दोनों का आपस में जोड़ोगे तो इस सरल रेखा पे पूरा कितना होता है 180 का। सरल रेखा पे जो रेखीय युग्मनता है उन दोनों का युगफल 180 हो जाता है। तो कोण बी ओ सी प्लस डी ओ सी कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री क्यों लिखा आपने? तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप कारण भी दे सकते हैं कि रेखीय युग्म है। आई बात समझ में? तो बी ओ सी का मान तो 125 डिग्री है, रख दीजिए, प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, 100 प्लस 125 उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री और माइनस 125 डिग्री, घटाइएगा तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो कोण डी ओ सी कितना आ गया? 55 डिग्री। अब ये आ गया आपका 55 डिग्री। अब अगर ये 55 है तो ये भी आपको क्या है? 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण आमने सामने के, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो सम्मुख कोण होता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वो क्या होता है? बराबर होता है। तो आप इजीली कह सकते हो कि कोण डी ओ सी बराबर कोण ए ओ बी, क्या कह सकते हो? इसलिए कोण ए ओ बी जो होगा वो कोण डी ओ सी के बराबर होगा, और चूंकि डी ओ सी 55 है इसलिए ए ओ बी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री का, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है डी ओ सी, तो डी ओ सी, तो डी ओ सी तो हमारा आ गया है, अच्छा। उसके बाद कह रहे डी सी ओ, डी सी ओ ये पूछा जा रहा है, और क्या पूछा गया? ओ ए बी, ओ ए बी ये पूछा गया। तो अच्छा एक बात बताओ, यहां पे दिया हुआ है ओ डी सी, ध्यान से बताना आप मुझे कि अगर ये ओ डी सी है समरूप त्रिभुज ओ बी ए के, तो ओ के बराबर है, डी किसके बराबर होगा? बी के। तो डी कहाँ है? यहाँ पे है। बी कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये 70 है, ये 70 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इन दोनों का वैल्यू बताना है, तो लिख सकते हो क्या कि कौन कौन सा डी सी ओ, डी सी ओ बराबर कौन बी ए ओ बराबर। अब ये कौन कैसे निकालोगे बताओ? तो आराम से देख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का एकफल कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 55 और 70 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाना चाहिए, है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। और अगर 125 आ जाएगा तो बताओ कि ये वाला कितना होना चाहिए? ये वाला 55 ही होना चाहिए क्या? ये वाला ही 55 डिग्री ही होना चाहिए। कैसे निकलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 70 और 55 कितना हो गया? जोड़ लो ना, 180 में से घटा लो 125, ठीक है, घटाओ, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा? 7 में से 2 गया 5, एक कैंसिल, 55 ही तो आ रहा है, ठीक है, तो 55 डिग्री। ये भी तुम्हारा हो जाएगा 55 डिग्री, और ये भी कितना हो गया? 55 डिग्री। सारे एंगल्स हमको मालूम चल गए, भाई बस समझ। ये क्यों लिखा हमने? ये इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट में दे सकते हो रीजन, क्योंकि त्रिभुज ओ डी सी
समरूप था त्रिभुज ओ बी ए के। आई बात समझ, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर था तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब ये बराबर कैसे मैंने पकड़ा, इसलिए पकड़ा क्योंकि ध्यान से देखो लास्ट में हमारा क्या था, यहाँ पे ओ था तो ओ है, डी के साथ कौन आएगा बी और सी के साथ कौन आएगा ए, तो यहाँ पे सी है इसका और यहाँ पे ए है, इसलिए ये बराबर होंगे। आई बात समझ, ये दूसरा प्रश्न था।